पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लगातार 7 वर्षों से वंचित रखे जा रहे बीएड टेट 2011 के अलग अलग जनपदों से आए हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने इको गार्डन पर विशाल धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। योगी सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी तो हम सरकार का बहिष्कार करेंगे। बताते चलें कि धरना स्थल इको गार्डन पर जनपद मुरादाबाद, बिजनौर, जालौन, बदायूं आदि से आए बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और कहा कि बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थी पिछले 7 वर्षों से सरकारों और कोर्ट की प्रक्रिया की वजह से सभी मानक पूरे करने के बावजूद अब तक नियुक्ति से वंचित हैं। वर्तमान सरकार में कई बार आश्वासन मिले लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 4 बार मुलाकात की गई और योगी जी ने भी हमारी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए हमारी नियुक्ति में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसकी मीटिंग 20 अगस्त 2018 को हुई, जिसमें हम लोगों ने अपनी बात और अपना पक्ष मजबूती से रखा, जिसका कोई भी संतोषजनक उत्तर बेसिक शिक्षा के अधिकारियों ने नहीं दिया। बीएडटेट 2011 एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं और हम लोग लगभग 7 वर्षों से अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। 4-4 बार लाठियां हम लोगों को पड़ी, हमारे लिए कमेटी बनाई गई, कमेटी बनाने के बाद आश्वासन दिए गए। माननीय जब ये सत्ता में नहीं थे योगी जी, तब उसके पहले हमें लोकसभा में माननीय केशव जी मौर्य, महेंद्रनाथ पांडे जी ने बहुत आश्वासन दिए कि हम आपको सत्ता में आते ही बीएडटेट 2011 को नौकरी देंगे, लेकिन संसद में बोलने के बावजूद, हमारे धरने में बैठने के बावजूद जब सत्ता में आए तो हमको लाठियां दे रहे हैं। मैं इस सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर उस चुनाव से 2019 चुनाव से पूर्व अगर नियुक्ति नहीं प्रदान की गई बीएडटेट 2011 को, तो 2019 के चुनाव में आपको नेस्तनाबूत कर देगा यह बीएडटेट 2011 संगठन। 1.5 लाख लोगों का संगठन आपको नेस्तनाबूत कर देगा, आपको कहीं का नहीं रखेगा। आप 10 सीट को तलाश जाओगे उत्तर प्रदेश में अगर हम लोगों को नियुक्ति प्रदान नहीं की 2019 से पहले। रुखसाना खान बीएडटेट उपाध्यक्ष 2011 से। यहाँ पर हमारी मांग सिर्फ एक है, हमारे अपने साथियों के साथ हम सबकी नियुक्ति, जो कि सरकार ने वादा किया था सत्ता में आने से पहले, वादा किया। सत्ता में आने के बाद भी उपचुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ ने अपने क्षेत्र से, अल्लाहपुर की जनसभा से, वहाँ से भी हमारे लिए बोले, हमारे पास उनका वीडियो मौजूद है। उसके बाद जब सब कुछ निपट गया वो भूले बैठे हुए हैं। सत्ता में वे लोग पदांध हैं। हम कई बार मिल चुके हैं, हमारे लिए कमेटी गठित थी, लेकिन कमेटी का गठन सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए था। लेकिन हम भी शिक्षक हैं, हमें आप कहाँ तक गुमराह करेंगे। अरे हम आपको बनाते हैं, हम वो चाणक्य हैं जो सड़क से उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य को उठाकर के भारत का सम्राट बना देते हैं। आप ये क्यों बोल रहे हैं? हम आज संघर्षरत हैं लेकिन समय हमारा भी आएगा। उससे पहले आप यदि हमें नियुक्ति दे देते हैं तो यकीनन ये सारा वोट आपकी तरफ मुड़ेगा, अन्यथा ये डाइवर्ट होकर के भले हमको नोटा दबाना पड़े कुछ, हम टोटली आपके खिलाफ जाएंगे और अपने परिवार समेत खिलाफ जाएंगे। हम लगभग 1.25 लाख लोग हैं हमारे संगठन में, बीएडटेट 2011 के 1.25 लाख लोग हैं। हम परिवार से लगभग 10 लाख वोट बनते हैं, योगी जी को ये 10 लाख वोट भी नहीं दिखाई दे रहे हैं।